हे एवरीबॉडी, कैसे हो आप लोग? तो मैं नूतन सिंह आज अगेन आपके सामने विद अ ब्यूटीफुल पोयम ऑफ क्लास 5, क्लास डिस्कशन के साथ. ओके, दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल पोयम रिटन बाय जर्वेस फिन एंड दिस इज अ पोयम फ्रॉम एनसीईआरटी मैरीगोल्ड. एंड दिस पोयम इज रियली अ वेरी ब्यूटीफुल एंड अ वेरी टचिंग पोयम बिकॉज Gervais Finn through his poem class discussion throws light on different kind of children, both introvert and extrovert. यानी इन्होंने अपनी कविता में, अपनी पोएम में ऐसे बच्चों को दिखाया है जो क्लास में क्वाइट रहते हैं, शाय रहते हैं, ज़्यादा खुल के एक्सप्रेस नहीं करते, लेकिन वो भी इम्पॉर्टेंट होते हैं और इसमें इंटेलिजेंसी का कोई भी मैटर नहीं है. एवरीबडी हैज़ देयर ओन क्वालिटी, एवरीबडी इज इक्वल. ओके, सबकी इम्पोर्टेंस है. तो टुडे इन दिस सेशन वी विल डिस्कस दिस पोएम इन डिटेल एंड दिस इज द पोएम क्लास डिस्कशन. फर्स्ट वी विल रेसाइट इट. ओके, तो आप रेसिटेशन पार्ट को अच्छे से सुनेंगे और देखेंगे कि यहाँ पर किस तरह से पोएम है हमारी. ओके, लेट्स बिगिन. In the class discussion, Jane, you hardly said a word. In the class discussion, Jane, you hardly said a word. We all aired our opinions, but from you we barely heard. You sat and stayed in silence, surrounded by the chatter. Now tell me, Jane, and please be plain, is there anything the matter? Jane looked up and then she spoke. Her voice was clear and low. There are many people in this world who are rather quiet, you know. This is the poem class discussion, जहाँ पे क्लास में डिस्कशन हो रहा है और सभी बच्चे बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट कर रहे हैं. डिस्कशन का मतलब आप जानते ही हैं, किसी एक टॉपिक पे बात करना. और वहाँ पर उसकी टीचर ने ऑब्जर्व किया कि जेन जो क्लास में है वो बिल्कुल नहीं बोलती है. यू सैट इन स्टेड इन साइलेंस, इतनी बातचीत में भी जेन चुपचाप बैठी है और एकदम शांत है. देन उसकी टीचर से पूछती है, नाउ टेल मी जेन, जेन ये बताओ, एंड प्लीज बी प्लेन, मुझे क्लियरली बताओ. प्लेन मतलब बी क्लियर. इज देयर एनीथिंग द मैटर, क्या कोई प्रॉब्लम है? देन जेन, वो गर्ल जो क्वाइट गर्ल थी क्लास में, वो शी लुक्ड अप एंड देन शी स्पोक, वो ऊपर देखती है. हर वॉइस वॉज क्लियर एंड लो, उसकी आवाज एकदम क्लियर है बट धीरे है. देर आर मैनी पीपल इन दिस वर्ल्ड हु आर रेदर क्वाइट, यू नो. इट मीन्स कि जेन का जो ये जवाब है ना, सच में लाजवाब है. उसने ये बोला मैम को कि दुनिया में बहुत सारे लोग हैं मैम जो शांत रहना पसंद करते हैं. तो इसका मतलब कि जेन एक क्वाइट गर्ल है और उसे शांत रहना पसंद है. क्लास डिस्कशन समरी. इट इज अ पोएम रिटन बाय जर्वेस फिन. दिस पोएम इज ऑल अबाउट अ गर्ल. द नेम ऑफ द गर्ल इज, यस, जेन. ड्यूरिंग द डिस्कशन द स्टूडेंट आर and teachers are engaging in the conversation. All are busy with the discussion with the topic. Sab busy hain discussion mein, theek hai. However, there is a girl named Jane. Ek ladki hai jo participate nahi kari conversation mein. She does not discuss anything and sit in silence. Wo chup chap baithi hui hai aur dekh rahi hai. On seeing her in this silence, the teacher asks, as if any problem, kya usse koi problem hai? To this, जेन जवाब देती है बहुत ही अच्छे तरीके से. ड्राफ्टिंग रिप्लाई शी गेव, शी सेज दैट द वर्ल्ड इज फुल ऑफ ऑल टाइप ऑफ पीपल, दुनिया में बहुत तरह के लोग हैं. सिमिलरली इट हैज सम पीपल हु डू नॉट प्रिफर टॉकिंग दैट मच, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो बहुत ज़्यादा बात करना पसंद नहीं करते और क्वाइट होते हैं. और इसी तरह मैं भी एक क्वाइट गर्ल हूँ, आई एम क्वाइट इन नेचर. ओके चिल्ड्रन, तो इस ब्यूटीफुल पोएम में एक क्वाइट गर्ल जेन के बारे में बताया गया है कि वो बहुत बोलना पसंद नहीं करती
लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो किसी से कम है, ठीक है। यानी आप एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हो ग्रुप में, अगर ना भी करते हो तो आप थोड़े से साइलेंट हैं, अगर क्वाइट हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अलग हैं, ठीक है। बस ये आपकी क्वालिटी है कि आप शांत रहते हैं। इसी के साथ वी आर गोइंग टू डू आवर न्यू वर्ड सेक्शन, ओके। यहाँ पे न्यू वर्ड्स भी दिए हुए हैं बच्चों, तो हम एक एक करके इसकी मीनिंग समझते हैं, ठीक है। द फर्स्ट वर्ड इज डिस्कशन। डिस्कशन मीन्स टॉकिंग टुगेदर इन अ ग्रुप ऑन अ सिंगल टॉपिक, किसी एक सिंगल टॉपिक पे डिस्कस करना, बातें करना, एक साथ कहलाता है डिस्कशन। एंड द सेकेंड वर्ड इज एयर्ड। एयर्ड का मतलब क्या होता है? मेक पब्लिक, कोई भी चीज को जब आप पब्लिकली अनाउंस बोलते हैं तो कहते हैं एयर्ड, ओके। एंड द थर्ड वर्ड इज बेरली। बेरली मीन्स बहुत कम, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज स्टेयर। स्टेयर को आपने लास्ट चैप्टर में भी पढ़ा था, लुक फिक्सली विद आईज विद वाइड ओपन, आपकी आईज खुली रहे और एकदम से आप एक जगह पे देखते रहे, एक तरह से कह सकते हैं घूरना, हाँ, स्टेयरिंग करना, दैट इज कॉल्ड स्टेयर, ओके। एंड द लास्ट वर्ड इज प्लेन। हियर द मीनिंग ऑफ प्लेन इज क्लियर, साफ साफ बताना, साफ साफ कहना, ओके, क्लियरली बताइए। टीचर ने पूछा था ना बी प्लेन, द आंसर शुड बी गिवन बाय जेन इन प्लेन, ओके। और दीज आर द न्यू वर्ड्स, प्लीज लर्न इट, ओके। और आपको ये पोएम कैसी लगी? मुझे तो ये पोएम बहुत अच्छी लगी और मुझे लगता है कि यस, रियली इन दिस वर्ल्ड वी हैव एवरी टाइप ऑफ स्टूडेंट, चिल्ड्रन, ह्यूमन बीइंग्स, ओके। एंड द कंक्लूजन ऑफ दिस ब्यूटीफुल पोएम इज, द पोएम इज अ ग्रेट वे ऑफ मेकिंग पीपल अंडरस्टैंड दैट देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल एंड नॉट एवरीवन इज अलाइक, सब एक जैसे नहीं होते, ठीक है। It throws light on a quiet people who do not prefer talking that much, just like this boy. Okay. Thank you. Thank you. I think आपको ये पोएम अच्छे से समझ आ गई होगी क्लास। Thank you so much.